फैब्रिक लिया है, इस पर हम बॉटनेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए अब हम सबसे पहले बुकरम की कटिंग करेंगे। आइए शुरू। हमने ये बुकरम लिया है जिसकी हमारी लेंथ है 7.5 इंचेस और जो ब्रेथ है वो 5.5 इंचेस है। इस पर अब हम बॉटनेक बनाएंगे। बॉटनेक की हमारी जो विड्थ है वो होगी 4.5 इंचेस और जो लेंथ है वो होगी 3 इंचेस। इसके बाद हम यहाँ पे बॉटनेक की शेप देंगे। बॉटनेक की शेप देने के बाद यहाँ पर हमारा 2 इंचेस में डिज़ाइन आएगा। बॉटनेक में हम यहाँ पे 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। और यहाँ से इससे भी हम सिमिलर शेप देंगे। और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, करीब 1/2 इंच का। इसके बाद हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग नेक पीस को कट कर लिया। उसके बाद हम इसके साइड वाले 2 पार्ट्स और इस पार्ट को हटा देंगे। अब हमें यूज़ है तो सिर्फ इन 2 पार्ट्स का। हम ये जो वाला पार्ट है हम इस पार्ट को कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और फिर हम इसे बॉटनेक बनाएंगे। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिज़ाइनिंग में काम आएगा। डिज़ाइनिंग में इससे वर्क लेने के लिए हमने एक पेपर लिया, ये पेपर लेंगे, हमने पिन पेपर लिया। इससे हमारा बिल्कुल ये सेट आ जाएगा नेक। उसके बाद इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इस पेपर को एग्जैक्टली साइज़ का कट कर। हमने इसके साइज़ के पेपर को कट कर लिया यहाँ से दोनों साइड से 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेके। और यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग भी कर ली है जितनी बुकरम है, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन विजिबल होएगा वो इस इन मार्क के बीच में ही होएगा, इससे ज़्यादा हमारा डिज़ाइन विजिबल नहीं होगा। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने डिज़ाइन के लिए ये स्ट्रिप कट किया है। स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 2 इंचेस है और ऐसे ऐसे हमने कई स्ट्रिप्स कट किया। अब हम इन स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ेंगे और फिर इसकी डोरी बनाएंगे। डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरी बनाने के लिए ये जो है हमारा सीधा पार्ट है और ये जो है उल्टा पार्ट है, तो हम सीधा पार्ट लेंगे। सीधे पार्ट को इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम डोरी पहले यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने मोटी साइड लिया है, यहाँ से हमने थोड़ा सा गैप ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें ये डोरी बाद में टर्न करनी है। टर्न करने में इजी होता है अगर हम यहाँ से ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। हम करीब 3-4 इंचेस तक ज़्यादा ही स्पेस लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कम स्पेस लेना स्टार्ट कर देंगे। कम स्पेस हमारे करीब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 इंच रहना चाहिए ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो फिनिशिंग से आए। अब यहाँ पे हम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। अब हमने हमारी डोरी पे पूरी स्टिच लगा लिया और अब हम इसका ये जो मोटे वाला पार्ट है वो लेंगे और एक सुई लेंगे जिसके अंदर हमने थ्रेड डाला है। इसके अंदर हमने मोटा थ्रेड डाला है ताकि ये बीच में टूटे ना। अगर हम इसमें पतला थ्रेड डालेंगे तो वो बीच में टूट जाएगा जिससे हमारी डोरी जो है वो टर्न नहीं होगी। अब सबसे पहले हम इसके मोटे पार्ट पर यहाँ पे ये पक्का करेंगे सुई धागे से ताकि हमारी जो धागा है वो यहाँ पे बना रहे और निकले ना। और इसके बाद हम जो सुई है वो इस होल के अंदर से लेंगे और ये जो है आगे से आगे लेंगे सुई और ध्यान से जो सुई है वो कपड़े को काटे ना। डोरी को टर्न करके ये दूसरे एंड से हमने पिन निकाल लिया। उसके बाद हम बैक जिस एंड से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम धीरे धीरे यहाँ पे टर्न करना स्टार्ट करेंगे डोरी को। और ऐसे हमारी डोरी जो है बहुत ही इजीली टर्न हो जाएगी और ऐसे हम पूरी डोरी टर्न करेंगे। ये अब हमारी डोरी बनके तैयार हो गया। अब हम नेक बनाने के लिए, अब हमने जो हम सबसे बड़ा नेक कट किया था वो हमने अब कपड़े पे पेस्ट कर लिया और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के कट कर लिया। अब हम सबसे पहले ये जो 1/2 इंच है ये यहाँ से साइड से लेड कर देंगे सारा, फिर हम नेक बनाएंगे। अब हमने ये जो है साइड से लेड कर लिया नेक को और इसके जो हमने सेंटर है सेंटर पर ये कट लगा लिया। वैसे ही हमने सेम उस पर भी किया जो हमारा पीस है जिस पे हमने नेक बनाना है उस पे भी हमने ये सेंटर में कट लगाया। अब हम यहाँ पे इसको इसके एग्जैक्ट ऊपर रखेंगे, सेंटर के कट से सेंटर का कट मैच करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर स्टिच लगाएंगे। अब हम
हम इसे सेट करके बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे बुकरम के स्टिच लगाएंगे। स्टिच जो है बहुत फिनिशिंग से और बिल्कुल साइड साइड में हमें कॉर्नर्स पे लगानी है। आने के बाद अब हम इसके साइड साइड से कट कर लेंगे क्वार्टर इंचेस छोड़कर, और इसे कट करने के बाद यह गला हम टर्न कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो जाएगा। हमने ये नेक टर्न कर लिया। नेक टर्न करने के बाद अब हम यहाँ पे एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से गले को सेट करके, और हमारा जो ये बोट नेक है ये बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। हमने वापस से ये पेपर लिया है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, अब हम इस पे डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए हमने ये जो गैप है ये 2 इंचेस का लिया था, इसके मिड मिड में 1 इंचेस पर मार्क करते हैं, हमें सर्कल फॉर्म कर लेंगे। ये 1 1 इंचेस पर मार्क कर लिया। अब हमने ये जो मिड लाइन लगाई थी यहाँ से हम 2 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। पहले हम बिगनिंग से 1 इंच लेंगे, उसके बाद आगे हम 2 2 इंचेस पर मार्क करते रहेंगे। ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये जो हमारे सर्कल्स के मार्क हैं जो हम राउंड में यहाँ पे डोरी लगाएंगे उसके लिए हमने ये मार्किंग किया। ये 5 5 इंचेस की काफ़ी सारी डोरीज कट कर ली है जिससे हम डिज़ाइन लाएंगे। एक बार हम इसे साइड कर देते हैं और हमने जो वो पेपर लिया था जिस पर हमने मार्किंग की थी वो लेते हैं। यहाँ पे अब हम डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे। जो ये हमने सेंटर में 2 2 इंचेस पर मार्क किए थे यहाँ से हम इसका सेंटर रखेंगे डोरी का, और यहाँ से हम इसके कॉर्नर पे डोरी सेट करेंगे और यहाँ पे हम डोरी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे डोरी लगाएंगे, उसके बाद जो हमने यहाँ पे 2 2 इंचेस पे मार्क किए थे यहाँ पे एग्जैक्ट इसका सेंटर एडजस्ट करके हम इस डोरी को ऐसे यू शेप में टर्न करेंगे, और फिर हम मशीन चलाएँगे और इसे बहुत ही ध्यान से सेट करके हमें इसे घुमा, और यहीं से जब हमारी ये वाली डोरी ख़त्म होएगी यहाँ से हम नेक्स्ट डोरी रख देंगे और फिर सिमिलर वो भी ऐसे ही टर्न करेंगे, और ऐसे ऐसे हम ये सारी एक साइड की डोरी कंप्लीट करेंगे। हमने एक साइड की डोरी लगा लिया, अब हम इसकी दूसरी साइड की डोरी लगाएंगे। दूसरी साइड की डोरी लगाने के लिए हम इसके अंदर से पहले डोरी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें से डोरी निकाल कर इसे बिल्कुल टाइटली यहाँ तक पे करेंगे, और फिर हम इस डोरी पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ भी हम अगली डोरी सिमिलर ही करेंगे। अब हम इस डोरी में से इस डोरी को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे इसकी स्टिच लगा देंगे। ऐसे ऐसे हम यहाँ भी ये सारी डोरी, ये नेक बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम इसे अपने नेक पे पेस्ट करेंगे। नेक पे पेस्ट करने के लिए हमने ये जो चौक की मार्किंग की थी उससे हम अपना नेक जो है मैच करेंगे, और मैच करके ये नेक बिल्कुल सेट करेंगे अच्छे से चौक की मार्किंग से, और इसके बाद हम यहाँ से पिन से सेट कर देंगे हम ये पूरा नेक। इस नेक को पिन से सिक्योर कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे इसके कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो है अटैच हो जाए। ये साइड की स्टिच लगा लिया है, इसके बाद हमने एक पट्टी लिया स्ट्रिप जिसे हम इस नेक पे यहाँ पे साइड साइड में लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इसे अंदर की साइड रखेंगे इस स्ट्रिप को, और यहाँ पर हम 1/4 इंचेस पर स्टिच लगाएंगे, इसे अच्छे से सेट करेंगे बिल्कुल। और इस स्ट्रिप को हम खींच के लगाएंगे और जो मतलब पेपर है वो लूज रहेगा, ऐसे हम इस स्ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। स्ट्रिप को कंप्लीट लगा लिया, इसके बाद हम इस स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे इसके ऊपर की तरफ टर्न करके इस तरीके से टर्न करेंगे कि ये जो हमारी सिलाई है एग्जैक्ट इसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें ये पेपर जो है कट करना है, इसलिए हम इसे ऐसे सेट करके
या यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे नेक, इसे बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। हमारा नेक बन गया। इसके बाद हमने जो पेपर रखा था हम इस पेपर को ये निकाल देंगे और फिर हमारा जो नेक है वो बनके रेडी। हमारा नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया बिल्कुल, और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे नेक डिज़ाइन में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़